मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिंगल एपिसोड या रिकरेंट एपिसोड, इसके बारे में आज बातचीत कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफ़ी लोग मिल रहे हैं मुझे, इलाज कर रहे हैं, तो दवाई के साथ साथ और क्या कर सकते हैं वो भी इसके बारे में, मतलब उसके बारे में भी आज ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डायग्नोसिस कैसा किया जाता है, मतलब उसका डायग्नोसिस कैसा करते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है कि जब डिप्रेशन के ही लक्षण या डिप्रेशन की ही बीमारी एक तो एक ही बार आती है, या उसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिंगल एपिसोड, या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रिकरेंट एपिसोड, यानी बार 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 डिप्रेशन 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 आ रहा है। तो इसका जो लाइफ टाइम प्रीवेलेंस है वो है 5 से 17% लोगों को ये उनकी जिंदगी में कभी ना कभी आ सकता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, 5 to 17% पीपल। इसमें जो लक्षण है तो 9 में से 5 लक्षण या 5 से ज़्यादा लक्षण यदि दिखाई देते हैं, और वो 2 हफ्ते के कार्यकाल में दिखाई देना चाहिए कंटिन्यूस 2 हफ्ते में, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसको हो गया, डिप्रेशन की बीमारी हो गई। तो वो कौन से, नंबर एक डिप्रेस मूड, मतलब उदासीनता है, नर्वसनेस है, सैडनेस है, तो एक नंबर एक। नंबर 2 लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, मतलब कोई भी काम में रुचि नहीं होना या कोई काम में मजा नहीं आना। नंबर 3 वेट लॉस, कोई कारण नहीं और वजन बहुत कम हो रहा है। नंबर 4 नींद कम आना या बहुत ज़्यादा नींद आना। नंबर 5 बहुत ज़्यादा थकान आना या बिल्कुल एनर्जी निकल गई है ऐसा लगना, बहुत थकान, कोई कारण नहीं और थकान आ रही है। नंबर 6 बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, मतलब बेचैनी है, इधर से उधर उधर से इधर ऐसा आदमी कर रहा है, या रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब हलचली बहुत कम हो गई है, तो ये एजिटेशन और रिटार्डेशन है। 6 7 वर्थलेसनेस, मतलब मैं कुछ काम का नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं कुछ काम करने में, या मुझे मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, या मुझे लगता है कि मैंने बहुत पाप किए हुए हैं, ऐसे विचार आना। नंबर 8 विचार करने की क्षमता कम हो जाना, एबिलिटी टू थिंक, और लक्ष्य केंद्रित करना, वो केंद्रित नहीं होता उसका लक्ष्य, एकाग्र नहीं होता, अलग अलग जगह घूम जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, और फिर उसकी वजह से मेमोरी डिस्टर्बेंस आते हैं। और नंबर 9 बार 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 सुसाइड के विचार आना, सुसाइड के बारे में सोचना या अटेम्प्ट करना। अब ये 9 है, उसमें से 5 होना है, और 5 में भी 2 में से 1 होना जरूरी है। 2 कौन से, मेजर इंपॉर्टेंट, एक है डिप्रेस मूड, उदासीनता और उदास मूड है उसकी भावना, उदासीनता की, नंबर 1, और नंबर 2 लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर, मतलब कोई काम में रुचि नहीं होना, ये 2 में से कम 1 होना जरूरी है, और 2 हफ्ते के लिए है, होना जरूरी है 2 हफ्ते कंटिन्यूसली। अच्छा, इसमें शर्त यह है कि बाकी कोई भी बीमारी से ये उसके साथ में नहीं होना चाहिए, लाइक स्किजोफ्रेनिया है, स्किजोएफेक्ट डिसऑर्डर है, मतलब बाकी कोई मेंटल बीमारी है और उसके वजह से डिप्रेशन आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा एक है कि कोई मेडिकल कंडीशन से ये बीमारी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बीमारी बड़ी मेडिकल हो गई, बॉडी की बीमारी है और उसके बाद में डिप्रेशन हो जाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कोई सब्सटेंस लेके ये मूड डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, सब्सटेंस मतलब कोई अल्कोहल ले रहा, कोई नशीले पदार्थ ले रहा, उसके वजह से नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट, मैनिया और हाइपोमैनिया कभी नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिप्रेशन आ रहा है तो उसको बोलते फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें दवाई तो देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, और एंटी डिप्रेसेंट से 3 हफ्ते में फायदा हो जाता है, यदि प्रॉपर डोज दिया तो 3 हफ्ते में फायदा हो जाएगा, पूरा यदि मतलब पूरी मात्रा में दवा दिया तो। और उसके साथ साथ हमको ये देखना है कि बाकी हम इनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ये पेशेंट को, कि जैसा इनको बार बार ये डिप्रेशन आ रहा है तो इनके ट्रिगर फैक्टर क्या है ना, कौन से ट्रिगर फैक्टर है, कि ऐसा वो फैक्टर आ गया, स्ट्रेस आ गया, ट्रिगर हो गया, उसको डिप्रेशन आ गया, तो उससे हम उसको कैसे बचा सकते हैं और या उसमें कैसे उसको एम्पावर कर सकते हैं। नंबर 2 इसके मूड डायरी रखना, मूड डायरी, और मूड डायरी रख के फिर मालूम पड़ता है कि कभी डाउन हो गया मूड, कभी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, कभी डाउन हो गया, तो हमको मालूम पड़ता है कि कौन से समय पे दिन में ऐसा कोई भी कुछ कम ज़्यादा होते रहता है क्या, या महीने के कुछ दिन ऐसा होते रहता है क्या, या हफ्ते में ऐसा कुछ होता है क्या, तो फिर वो हिसाब से हम केयर ले सकते हैं।
तो मूड डायरी रखना जरूरी है। फिर डेली रूटीन जो है वो पक्का करना, मतलब स्लीपिंग टाइम सोने का समय वो पक्का करना है, खाना खाने का समय पक्का करना है, उठने का समय पक्का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है ताकि उसका मूड बराबर मेंटेन रह सकता है। नंबर चार, नींद अच्छी लेना जरूरी है। नींद कम से कम एवरेज 7 घंटे 8 घंटे यदि नींद लेते हैं तो वो जरूरी है, ताकि उसमें डिप्रेशन में बार बार जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नंबर पाँच, एक्टिविटी प्लान करना जरूरी है। मतलब एक्टिविटी प्लान मतलब मूड नहीं है तभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, घर में काम करो। समझो लेडी है तो घर में वो खाना पका सकते हैं, कहीं अपने जो ये है मतलब पालतू जानवर है लाइक कुत्ता है उसको घूमने लेके जाना, बगीचे में काम करना या फिर एक्सरसाइज करना, ऐसी बॉडीली एक्टिविटी करना जरूरी है। बॉडीली एक्टिविटी करते हैं तो केमिकल लोचा जो है वो ठीक होने में मदद हो जाती है। तो ऐसे 5 अलग अलग टिप्स है अलॉन्ग विथ एंटी डिप्रेशन, और वो हम करते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन में फ़ायदा होता है। तो ये मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है, इसमें सिंगल एपिसोड मतलब एक ही बार आ गया डिप्रेशन, या फिर बार बार आ रहा है, रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रिकरेंट जो आता है वो, तो इस तरह से उसका इलाज हो सकता है। उसके साथ साथ फिर दवाई है, ये टिप्स मैंने दी है 5, ये 5 टिप्स के अलावा फिर मेडिटेशन करना, सेल्फ हिप्नोसिस करना, फिर बिहेवियर थेरेपी है, REBT है, ऐसे अलग अलग रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, ऐसे सब सपोर्टिव थेरेपी हम देते हैं तो डिप्रेशन जल्दी ठीक होने में मदद हो जाती है। यूजली डिप्रेशन इस तरह का ठीक नहीं किया या दवाई नहीं दिया तो 6 से 9 महीने तक ये चल सकता है, और इसमें विचारों का यदि कुछ कम ज़्यादा हो गया मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसमें वो सुसाइड भी कर सकता है। तो इसलिए डिप्रेशन को ठीक करना जरूरी है। उसमें ठीक नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती, काम का नहीं रहता आदमी, प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो घर कैसे चलाना, इनकम कम हुआ, छुट्टियाँ मिलती नहीं है, काम पर नहीं जाना है। तो डिप्रेशन जितना जल्दी आप चालू करेंगे ट्रीटमेंट करना उतना अच्छा है। मूड डायरी रखते हैं तो अपने को मालूम है कि कब वो मूड डाउन हो रहा है, ताकि हम जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं रिकरेंट डिप्रेशन के केस में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।